जो 75 वर्ष की आजादी में जो अमृत उत्सव मनाया जा रहा है, अमृत 15% के लोग पी रहे हैं और 85% के लोग जहर गोला जा रहा है उनके। एकजुट होकर इस लड़ाई को नहीं लड़ोगे तो आने वाले समय में ये 11% जो आरक्षण आज तक मिला है ये भी 24 की सरकार आने के बाद आपके हाथ से छीन जाएगा। जो 6-7 दिसंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में सम्मेलन हो रहा है, न्याय अधिकार सम्मेलन, उसमें भारी से भारी संख्या में पहुंचकर इसको मजबूती दे। सर 6 और 7-8 दिसंबर को एक महासम्मेलन होने वाला है रामलीला मैदान पर, तो क्या कुछ आप लोग करने वाले हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल जनहित आवाज जो निरंतर कई सालों से बहुसंख्यक समाज के हक अधिकार और न्याय की लड़ाई के लिए लड़ाई लड़ रहा है और आवाज़ को सरकार तक और पूरे देश के बहुसंख्यक समाज तक पहुंचा रहा है, तो सबसे पहले मैं विजेंद्र यादव और WTP का एक सक्रिय कार्यकर्ता हूं। निरंतर 3 सालों से WTP के साथ जुड़कर बहुसंख्यक समाज की आवाज़ को उठाने का काम कर रहे हैं, हक अधिकार दिलाने का काम कर रहे हैं। देखिए, संयुक्त बहुसंख्यक समाज के तमाम भारतवर्ष के संगठन के द्वारा 6, 7 और 8 दिसंबर को दिल्ली के ऐतिहासिक मैदान रामलीला मैदान में न्याय अधिकार सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है तमाम बहुसंख्यक समाज के संगठनों के द्वारा। समस्याएं और मुद्दे बहुसंख्यक समाज के बहुत हैं, लेकिन प्रमुख मुद्दे हैं सम्मेलन के अंदर। 6 तारीख को देश में जो 10 साल बाद जो जनगणना होती है, उस जनगणना के अंदर SC ST की जनगणना होती है, पेड़ पक्षियों की जनगणना कराई जाती है, लेकिन जो देश में 70 से 72 करोड़ के आसपास हर दूसरा व्यक्ति देश का जो OBC समाज से आता है, लेकिन ये निरंतर वर्षों पुरानी मांग है कि OBC की जातिवार जनगणना भी SC ST के साथ कराई जाए। और हमारी तो एक मांग है कि SC ST और OBC की ही जनगणना क्यों, जो देश के 15% से 10% के लोग हैं, जो मनुवादी लोग हैं, उन लोगों की भी जातिवार जनगणना कराकर और उनको संख्या के हिसाब से न्यायपालिका राजनीति में हिस्सेदारी दी जाए, ताकि देश के अंदर में जो 75 वर्ष की आजादी में जो अमृत उत्सव मनाया जा रहा है, अमृत 15% के लोग पी रहे और 85% के लोग जहर गोला जा रहा है उनके, इसलिए 6 तारीख को OBC जातिवार जनगणना का मुद्दा होगा और 7 तारीख को जो देश के अंदर आज वोट की ताकत EVM से खत्म की जा रही है, EVM हटाकर बैलेट पेपर से चुनाव का मुद्दा है, और 8 तारीख को सामायिक देश के सभी बहुसंख्यक समाज के लोग उपवास और अनशन का हमारा कार्यक्रम है। ये 3 दिन का हमारा कार्यक्रम है और 3 दिन के अंदर पूरे भारतवर्ष से करोड़ों की संख्या में बहुसंख्यक समाज के सभी संगठन, बहुसंख्यक समाज की सभी पार्टियों के नेता और बहुसंख्यक समाज के सभी बुद्धिजीवी इसमें भाग ले रहे हैं, चाहे वो SC ST के हों, चाहे वो OBC के हों, चाहे मोनटी के हों, तमाम लोग इसमें आकर जो लगातार 75 वर्ष से जो हमारा हक अधिकार छीन कर, जो 15% से 10% के लोग जो हमारे हक छीनकर काबिज है इस देश पर, उनकी पोल खोलना और OBC जातिवार जनगणना कराकर जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, और 90% का राज नहीं चलेगा, ये नारे आप दिल्ली के रामलीला मैदान में 6, 7 और 8 दिसंबर को गूंजेंगे। क्योंकि 75 वर्ष से लगातार देश के अंदर आज संविधान को तोड़ा जा रहा है, लोकतंत्र खतरे में है, वोट की ताकत EVM से खत्म किया जा रहा है, OBC का तो जो सबसे बड़ी संख्या भी है वो सबसे ज्यादा वोट की ताकत है, लेकिन सबसे ज्यादा अगर हक अधिकार किसी का छीना तो OBC समाज का छीना जा रहा है। आज जो 27% OBC मिला हुआ है आरक्षण, जो 90 के दशक में BP मंडल की आयोग के द्वारा हमें मिला गया था, बड़े संघर्ष के साथ 3 साल हमने लाठियां खाई, शहादत और बलिदान दिया, तब जाकर वो मंडल आयोग की सिफारिश लागू हुई थी और आरक्षण मिला था, लेकिन आज वो 27% आरक्षण भी हमारे बच्चों को नहीं मिल पाया।
11% ही आज तक आरक्षण ले पाए हम, क्योंकि कहीं ना कहीं वो वैकेंसी निकालते हैं लेकिन उस वैकेंसी के अंदर भी जनरल ही भर्ती होते हैं ओबीसी के अंदर। कहीं ना कहीं आज 40 केंद्रीय विश्वविद्यालय के अंदर एक भी ओबीसी प्रोफेसर नहीं है, आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक ओबीसी जज नहीं है। आज पूरे देश के अंदर ओबीसी समाज के हक अधिकार को सबसे ज्यादा छीना जा रहा है, और इसका एक कारण यह भी है कि ओबीसी समाज ज्यादा से ज्यादा धर्म के पीछे लगा हुआ, आरएसएस की दरिया बिछाने में लगा हुआ, ज्यादा से ज्यादा राम मंदिर के अंदर लगा हुआ। तो मेरी इस सम्मेलन के माध्यम से और इस व्यक्तित्व के माध्यम से मैं देश के ओबीसी समाज से खासकर प्रार्थना करता हूं कि आने वाले समय में अपने बच्चों को हक अधिकार दिलाना चाहते हो, ओबीसी जातिवार जनगणना कराकर न्यायपालिका, राजनीति और कार्यपालिका में हिस्सेदारी दिलाना चाहते हो, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो, और आरक्षण को बचाना चाहते हो और आरक्षण को बढ़वाना चाहते हो, तो आपको 6, 7 और 8 दिसंबर को करोड़ों की संख्या में दिल्ली के रामलीला मैदान पहुंचकर और इस हिटलर शाही सरकार को अपनी ताकत का एहसास कराना होगा। तब जाकर मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कोई आपके आरक्षण को नहीं छीन पाएगा, कोई आपकी वोट की ताकत को नहीं छीन पाएगा, कोई आप पर अत्याचार अन्याय नहीं कर पाएगा। अगर आप एकजुट होकर इस लड़ाई को नहीं लड़ोगे तो आने वाले समय में ये 11% जो आरक्षण आज तक मिला है ये भी 24 की सरकार आने के बाद आपके हाथ से छीन जाएगा। इसलिए मैं खासकर SC ST भाई तो जागरूक हैं, वो अपने हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन ओबीसी समाज जो सबसे ज्यादा मजबूत है, SC ST के बड़े भाई के रूप में हमेशा साथ दिया है, आज ओबीसी समाज के लोगों को आरएसएस से निकलकर, मंदिर मंदिर से निकलकर अपने ओबीसी समाज की हक और अधिकार की इस लड़ाई में 3 दिन लगातार दिल्ली के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में पहुंचकर इस आवाज को बुलंद करो, और जिस दिन जातिवार जनगणना के साथ ओबीसी जातिवार जनगणना हो जाएगी तो एक नारा है जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, 90% का राज नहीं चलेगा। और उस दिन मैं विश्वास दिलाता हूं इस मुद्दे की वजह से और ओबीसी जातिवार जनगणना की वजह से आपके बच्चों को आपकी संख्या के हिसाब से हर प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर और राजनीति में हिस्सेदारी मिलेगी, वरना यह भी छिन जाएगी। इसलिए आओ हम सब मिलकर संविधान को बचाने के लिए बलेट पेपर से चुनाव कराकर अपनी वोट की ताकत को बचाने के लिए और अपने ऊपर हो रहे अत्याचार अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़कर WTP के माध्यम से और तमाम बहुसंख्यक समाज के संगठनों द्वारा जो 6-7 दिसंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में सम्मेलन हो रहा है, न्याय अधिकार सम्मेलन, उसमें भारी से भारी संख्या में पहुंचकर इसको मजबूती दे, इसको कामयाब करें और आने वाले टाइम में इस सरकार को झुकाकर वोट की ताकत से भी, जन समर्थन से भी हम अपने हक अधिकार को अपने लोगों को दिलाने का काम करेंगे, ताकि हमारा हक और अधिकार मिले और हमारे आने वाली पीढ़ी को उसका आरक्षण का लाभ मिले और वो अपने संख्या के हिसाब से न्यायपालिका, राजनीति और कार्यपालिका और प्राइवेट सेक्टर में उसको हिस्सेदारी मिले। इसलिए आओ हम सब मिलकर तमाम बहुसंख्यक समाज के जितनी भी पार्टियां हैं, जितने भी नेता हैं, तमाम भारतवर्ष के बहुसंख्यक समाज के जितने भी संगठन हैं, मैं आज इस मीडिया के माध्यम से, जनहित आवाज वॉइस ऑफ पीपल के माध्यम से आह्वान करता हूं, अगर आप 6, 7 और 8 दिसंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में पूरे भारतवर्ष से करोड़ों की संख्या में पहुंचकर इसको कामयाब करें, सम्मेलन को मजबूती से दे, ताकि आने वाले समय में हम अपने बच्चों को हक अधिकार दिलाने का काम करें। जय हिंद, जय भारत। सर, एक सवाल मेरा आपसे भी था, जिस तरीके से अभी सर विजेंद्र सर ने बोला है कि इस आंदोलन को बहुत हम इतना बढ़ाएंगे और चढ़ाएंगे, लोगों को जोड़ेंगे, तो क्या किसान आंदोलन को टक्कर दे पाएगा ये आंदोलन, बहुसंख्यक जुड़ पाएंगे इतने? देखिए, जो बहुसंख्यक जो है, आप यहाँ नहीं पूरे विश्व के अंदर में आप देखो, खेती भी वही करता है, बिल्डिंग भी वही तैयार करता है, जितना भी बड़ा से बड़ा काम है वो बहुसंख्यक समाज के लोग करते हैं। और आज बहुसंख्यक समाज के लोगों का अगर आवाज़ सरकार नहीं सुना तो सरकार को भी जो है अपने आप पे पछतावा होगा। जैसे कि आपको पता होगा, जब किसान आंदोलन हुआ था, जब सरकार बात नहीं मानी तो किसानों ने पूरा दिल्ली के चारों तरफ बिल्कुल जाम कर दिया, दिल्ली नहीं पूरे देश के अंदर। जब सरकार को भी अपने पीछे हटने पर मजबूर हुआ और उसको पछतावा हुआ, जो हमें ये मांग लेना चाहिए था।
इसी प्रकार जो हमारा ये जो बहुसंख्यक समाज का जो मांग है, ओबीसी एससी एसटी सबका मांग है हमारा, जैसे जाति जनगणना कराया जाए, हमारा बैलेट पेपर पे चुनाव कराया जाए, ईवीएम हटाओ देश बचाओ, इसी प्रकार की, और जो है हमारा जैसे कि निजीकरण हो रहा है, निजीकरण को हटाया जाए, हमें जो है प्राइवेट नौकरी में भी हमें आरक्षण दिया जाए, क्योंकि प्राइवेट नौकरी जितने भी है ये उन लोगों का है जो अपने कोई दामाद को लगा लेता है, अपने चाचा को, कोई ताऊ के बच्चे को वो अपनी रिश्तेदारी में ले जाते, ये कुछ परसेंट के लोग है, हमारे तक वो नौकरी पहुंचता नहीं। आज अगर पूरे देश के अंदर आप देखो बेरोजगारी है, तो वो बेरोजगार जो लोग है वो बहुसंख्यक समाज के लोग है, क्योंकि हमारे साथ धोखाधड़ी हो रहा है। इसीलिए बहुसंख्यक समाज का जो आवाज को बुलंद करने के लिए मैं बहुसंख्यक समाज के लोगों से मैं कहना चाहता हूं, आप लोग अपने आवाज को मजबूत करो, अपने हक अधिकार के लिए दिल्ली के रामलीला मैदान में 6, 7, 8 दिसंबर का 3 दिन का प्रोग्राम है, आप लोग आओ, अपने मजबूती दिखाओ, अपने हक को छीनो, सरकार मांगने से नहीं देगी, हम जब रोड पे आएंगे हमारा अधिकार हमें मिलेगा। और खाली में पब्लिक से नहीं, जो हमारे नेता भी है बहुसंख्यक समाज का, चाहे वो किसी पार्टी में हो, चाहे वो बीजेपी में हो, कांग्रेस में हो, आम आदमी पार्टी में हो, सपा में हो, आरजेडी में हो, किसी में हो, हमें किसी से कोई मतलब नहीं है। लेकिन इनसे मैं कहना चाहता हूं, जब समाज का बात होता है, जब बहुसंख्यक समाज की बात होता है, वहां एक मंच पर आकर खड़े हो जाओ और अपनी आवाज को बुलंद करो, क्योंकि अलग अलग अगर आवाज उठाओगे तो उस आवाज उठाने का कोई फायदा नहीं है। इस मंच पर आकर आपको आवाज उठाना पड़ेगा, क्योंकि हम बहुसंख्यक समाज के लोग पूरे देश से एक ही मंच पर आकर अपनी आवाज को उठाएंगे। अगर आप लोग भी ऐसा नहीं करते हो तो आने वाले टाइम के अंदर जिस बहुसंख्यक समाज के लोग जो हमारे वोट देके आपको संसद में भेजते हैं, विधानसभा में भेजते हैं, निगम पार्षद बना के आपको एमसीडी के उसमें भेजते हैं, उसमें भी आपको उखाड़ फेंकने का काम करेंगे, अगर आप ऐसा नहीं आए हमारे साथ दिए, तो हम नया जो है लालू मुलायम ऐसे पैदा करेंगे। हमारा जैसे बाबा साहब अम्बेडकर जैसे और भी और नया आएंगे नेतृत्व करने के लिए इस देश के अंदर, क्योंकि हमारा अधिकार को बिल्कुल छीना जा रहा है, लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है। आज आप देखो जब भी कोई चुनाव होता है, राष्ट्रपति का चुनाव बैलेट पेपर से होता है, अमेरिका जैसे देश के अंदर बैलेट पेपर पे होता है, हमारे देश में ईवीएम से क्यों हो रहा है? आप कहते हो ईवीएम में टाइम लगता है, उसमें बैलेट पेपर में टाइम लगता है, पहले भी तो चुनाव हुआ करता था, उसमें भी तो टाइम लगता था, कोई दिक्कत नहीं है, टाइम से हमें कोई दिक्कत नहीं, टाइम बहुत है हमारे पास, लेकिन आप बैलेट पेपर पर चुनाव कराओ, ताकि ईमानदारी से पता चले कौन जीता है और कौन हारा है। ईवीएम में किसी को पता ही नहीं लगता, क्योंकि उसमें घपला हो सकता है। अरे ईवीएम को तो इंसान ने बनाया, जैसे सेट करेगा वो वैसे चलेगा। इसी प्रकार के जो है आप बैलेट पेपर पे बिल्कुल चुनाव कराओ, ईवीएम को हटाओ, और आगे जो है मैं अपने बहुसंख्यक भाइयों से सबसे कहना चाहता हूँ, हाँ जो कर निवेदन करना चाहता हूँ, अपने अधिकार के लिए, अपने बच्चों के अधिकार के लिए आने वाले 6, 7, 8 दिसंबर को रामलीला मैदान में ज्यादा से ज्यादा संख्या में सब पहुंचे। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत शुक्रिया। तो साथियों, आपने सुना कि किस तरीके से महासम्मेलन होने वाला है रामलीला मैदान पर 6, 7 और 8 दिसंबर को, आप की आवाज़ें बुलंद करने के लिए वही लोग जो जातिगत जनगणना जो छुपाते हैं, हमेशा से जातिगत जनगणना की बात नहीं करते, सिर्फ मंच पे आकर बात करते हैं, लेकिन खोखले वादे के साथ ये लगातार जो राजनीति में अपना सितारा चमकाते हैं, तो वही शोषित पीड़ित लोगों की आवाज़ें बुलंद करने के लिए ऐसे सामाजिक लोग जो ज़मीनी हकीकत से जुड़े हुए हैं, उनसे जुड़िए और आप लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आकर के उस प्रोग्राम में आप अपनी आवाज़ें बुलंद करिए। इसी के साथ देखते हैं ये जनहित आवाज़, मेरे सहयोगी धर्मेंद्र के साथ में पूजा, दिल्ली।